गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बच्चे रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। देखो मैंने इतना सारा बोल डाली लेकिन मैंने वीडियो ऑन नहीं करी थी। नींद में हूँ मैं लगता आदि। हाँ गुड मॉर्निंग बोलो। चलो फिर से एक और बार आपको गुड मॉर्निंग। अच्छी वाली वीडियो शुरू हो, देख लो। हाँ शुरू। हाँ गुड मॉर्निंग की वाली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक खुशखबरी सुनाती हूँ आज आपको। एक खुशखबरी है आज। रिद्धि के पापा ने रिद्धि के दोनों जन की टीवी वगैरह सब बंद कर दिए। यूट्यूब चैनल सब बंद कर दिए ना। ओ माय गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कल रोया की रोंदू के वजह से बंद कर रहे। रोता रहता है, निस्तार होता रहता है। कल इसके पापा मस्त पुराने गाने लगा के सुन रहे थे, रोने लग गया। मैं देखूंगा। उसके पापा ने सब बंद कर दिए, चैनल बंद कर डाले इनके, कार्टून के, इनका नेट बंद कर दिए, यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दिए। अब बेचारे वो डब्बा रह गया सिर्फ, टीवी डब्बा है वो, कुछ भी चलने वाला उसमें। कौन सा डब्बा? जा 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 वाला डब्बा। टीवी टीवी सिर्फ रहने के लिए हो गया है, सिर्फ नाम मात्र टीवी रहेगी उसमें, अभी कुछ नहीं चलने वाला। पापा न्यूज भी नहीं देखेंगे। सिर्फ न्यूज उनकी उनकी काम की चीजें चलेंगी उसके अंदर। अभी बेचारे चुपचाप शांति से खाए हैं पराठे, नहीं बिना टीवी के। आज तो डालनी पड़ेगी न्यूज़ देखने। वेरी गुड। मैंने मोबाइल का भी कोड चेंज कर दिया। रिद्धि बहुत मोबाइल लेके बैठती है। तेरा नाम ली तो रिद्धि है। चलो तो आज मैं इनके टिफिन में बनाई हूँ भिंडी की सब्जी। घर की निकली हुई भिंडी बनाई हूँ। डब्बे में टिफिन में डब्बा नहीं, डब्बे में भिंडी मिल रही है, टिफिन में भिंडी मिल रही है, तो उससे क्या बीती है? मम्मी रख लो नाम किसका है? श्लोक। एक बार इनका डब्बा वो हो गया था, मिस एक्सचेंज, मिसमैच हो गया था, एक्सचेंज हो गया था। मेरे दीदी का डुगू बदली थी, डुगू का दीदी को। ठीक है ये पकड़ना है। चैन लगा हुआ रिद्धि इसका। मेरी चैन तो मम्मी ने ना लगा लगा के उखाड़ डाले है, और वो चैन की जगह पे पीन लगा के देते हैं मेरे को। तूने उसका रनर खराब करी है मैडम। पापा का भी तो ये डालती हूँ मैं बैग में। पापा के देख दोनों रनर बराबर है, तेरा क्यों खराब हो गया? मुझे क्या मालूम मेरा क्यों खराब हुआ? दांत आप ऐसा 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 करते ना अपने दांत से बोल दिए क्या? ऐसा 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 करते मैं देखती अटक चेन अटक जाती तो ऐसे 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 ऐसा करते। मैं मतलब चेन अटक जाती ना पीछे से वापस सामने लाता तो मम्मी ऐसे 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 करते। चल मम्मी नहीं ऐसा वैसा नहीं करते। अब इसमें वो हाइट नहीं है रनर। हटे बाबू ये देख बेचारा सुई तो लगा उसके अंदर कम से कम। तूने पिन कहाँ फेंकी? मैंने कब फेंकी? कल पिन थी, मैंने सुबह जब दी तो टिफिन में। अरे ऐसा भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं। इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। बाप रे पीजी पर्सन। ये मेरी जो आड़ू चेन, फिर ये चेन को ऐसा डाल के रख ताकि कोई देखे ना कर कि चेन है नहीं है करके। ठीक है चलो मिलते हैं बाद में। अरे अपना अपना सामान उठाओ, बाहर निकलो। ठीक है देखो हमको भगा रहे हैं। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, टाटा गाइस, सी यू गाइस, हम जा रहे स्कूल। हाउ गाइस, तभी गणेश जी बैठने वाले हैं 19 तारीख को, और अभी घर में चल रही है साफ सफाई, मतलब शुरू करी हूँ मैंने और मम्मी ने मिलके। मैं आज ऊपर गरम करने वाली हूँ, देखते सोची तो हूँ कितना हो पाता है। ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहे। तो अभी कर रही हूँ मैं ऊपर के रूम की साफ सफाई, मतलब मेरे रूम की साफ सफाई। झाड़ू लगा रही हूँ ऑलमोस्ट। हाँ वो साफ सफाई, जाली भी निकाली हूँ अभी, बिस्तर साफ करिए। देखो झाड़ू
अभी सीढ़ी वगैरह साफ करना है, बहुत काम है अभी। सामने का पोर्च साफ करना है, ये रूम साफ करना है। ये रूम में तो ये रूम में सबसे ज्यादा पोसा रहा है। देखो ये पूरा कबाड़ी वाले को बेचना है सामान, लेकिन याद ही नहीं रहता। ठीक है, ये पूरा एक लाइन से, ये रूम में कोई आता नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है। फिर भी सब ये स्टोर रूम सामान ये रूम का यूज हो रहा है मालूम। सब जो भी सामान नीचे का जो यूज में नहीं आता उसको सब ऊपर में ला ला के पटक देते हैं। थैली, कपड़ा, बैग, जाली भी निकालना है, अभी निकाली है थोड़े बहुत बाकी। सबसे ज्यादा गंदा तो ये है सामने का, ये देखो पूरे झाड़ों की पत्तियाँ उत्तियाँ, ये नीम के झाड़ की पत्तियाँ है पूरी। ये साफ करते करते मुझको आज 1 बज जाएंगे, 1 ही दिन कर देती हूँ साफ, हिम्मत जुटा के। क्योंकि एक्चुअली ना ये रूम ज़्यादा यूज़ में, मैं सिर्फ सोने के लिए आती हूँ रात में इधर। मेरा रूम तो वैसे ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, थोड़ा धूल भूल निकल गई तो निकल गई, लेकिन वो जो स्टोर रूम बना के रखे है वो रूम को साफ करना है। वो पोर्च में तो पत्तियों का ही कचरा बहुत है नीम के झाड़ का, उसको आज साफ करूंगी तो कल जैसे के वैसे हो जाएगा वो। लेकिन गणेश जी बैठ रहे हैं तो साफ सफाई ज़रूरी है घर में। ठीक है, पापरे मेरा तो सर दुख रहा है देख के पूरा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि डुग्गू आ जाएंगे 1 बजे। कुकर करके आ गई हूँ मैं ऊपर, दाल चावल बना दी हूँ मैं, ताकि मुझे लेट भी हो जाए तो वो आए तो दाल चावल रेडी रहे खाने के लिए, है ना। तो अभी मैं काम करती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये हो गया मेरी साफ सफाई, पोछा हो गया है, ये पूरा साफ हो गया, पोछा हो गया, ये सीढ़ी भी साफ हो गई पूरी, बाथरूम धुल गया, पोछा हो गया, जल्दी ये रूम साफ हो गया पूरा। फिलहाल कहाँ रखना आपको समझ में नहीं आया, इसलिए यहीं पे जमा के रखी मैंने इसको। ठीक है, हो गया, पंखा वंखा देती टाइल्स सूख गई। ठीक है, थोड़ा सा खिड़की ओपन रखती हूँ मैं वेंटिलेशन के लिए। चलो यहाँ पे भी साफ हो गया, कचरा वाला कचरा आएगा तब डालूंगे। चलो, थक गई, बहुत थक गई मैं। तो नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो आज मंगलवार है, तो आज दीदी के पापा का उपवास रहता है, तो आज मैं मूली के पराठे और टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ। और अभी बज रहे हैं 5:30 और 6 बजे रिद्धि को ट्यूशन से लाना है, रिद्धि और डुगू को, और रिद्धि को फिर संगीत क्लास छोड़ना है, और मैं भी संगीत क्लास ज्वाइन कर ली हूँ तो मुझे भी 6:30 बजे जाना है उसके साथ में। तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं जब लौटती हूँ तब 8:30 बज जाते हैं, और सिर्फ पापा का वही टाइम रहता है आने का ड्यूटी से। तो इसलिए मैंने अभी 1 घंटा जो मुझे मिला अभी, तो उसमें मैंने तैयारी कर ली हूँ, आटा गूंथ के रख ली हूँ मैंने मूली का, और टमाटर की चटनी फ्राई कर दी हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये टमाटर की चटनी हो गई है मेरी, खट्टी मीठी बनाई है मैंने, क्योंकि पापा को खट्टा चलता नहीं ज़्यादा, और एकदम मीठा भी नहीं होना, खट्टा मीठा बनाई हुई है, ये हो गई है। ठीक है, एक फ्लेम ऑफ कर देती हूँ मैं, और आटा, ये है मूली का आटा। ठीक है, तो अभी मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 1/2 घंटा है सिर्फ, मैं अभी तैयार होने की हूँ। अभी झाड़ू लगाई, बर्तन धोई, उसी में समय चले गया मेरा, रियाज नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी बांसुरी का। और आज सर पूछने वाले, समझ में नहीं आ रहा, सर भी बहुत दुख रहे मेरा। ठीक है, ठीक है, मैं निकलती हूँ अपने तैयारी को, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी मैं और रिद्धि आ रहे हैं संगीत क्लास से, कि पापा और डुगू उस वक्त खाना खा रहे थे, उनका खाना हो चुका है, अभी मैं और रिद्धि
खाएंगे क्योंकि मम्मी गई है रिदी खा चुकी है उनको समय आने को, तब तक मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे लग गई भूख। मुझे भी। ये मूली के पराठे बन रहे हैं, ठीक है आधे से ज्यादा आटा खत्म हो गया है भाई। मैं इतना सारा तान के गई थी, आटा खत्म हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, और सान लेंगे। मूली खत्म हो गई, अब नहीं सानेंगे। गाइस आपको मालूम है कल है हिंदी दिवस और मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, साड़ी हमें कल भी आपको वीडियो शूट करना है, कल साड़ी पहनने वाली है। ब्लाउज मम्मी का है, मम्मी जब मेरी इतनी थी ना तब नानी जी ने दिए थे है ना, अब जब मैं मम्मी के तो मम्मी को दे रही है, वो चल रहा है पीढ़ी तो पीढ़ी वाइज पीढ़ी। हमको एड़ी पल्लू की साड़ी पहननी है। एड़ी पल्लू नहीं बोलते, फिर परदेसी पल्ला, सामने का पल्लू, सामने का पल्लू रहेगा। एड़ी पल्लू कहाँ से सीखी मैम, तो बोले तेरी मैम भी एड़ी, तू भी एड़ी, एड़ी एड़ी पल्लू वाले बोले। ठीक है तो खाती हूँ मैं मूली के पराठे, मिलती हूँ कल सुबह आपसे, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद बर्तन धो के सोना है मुझको। सारे काम हो गए मेरे, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।